आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ऐसे ही आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और हम भी उनके ऐसे भक्तों में हैं कि उनकी उपस्थिति हमारी श्रद्धा की मोहताज नहीं है। हम उनकी उपस्थिति के बिना भी उनके साक्षात सामने हैं ऐसी अनुभूति करके और उनकी भक्ति करने का हुनर पिछले 54 साल में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब बात ये आती है कि हम कल कर क्या सकते हैं। कल पूरे दिन भर आप में और अन्य जैनेतर समाजों में भी मात्र आचार्य श्री जी, उन्हीं के नाम का स्टेटस, उन्हीं के नाम की डीपी और उन्हीं के नाम का एक बहुत अच्छा वीडियो आप अपना बना करके आपके शब्दों को पूरी दुनिया देखे और सुने और समझे कि हाँ, इस आत्मा के ऊपर भी गुरुदेव की छाप पड़ी है। ये छोटा सा बच्चा है, इसके जीवन में भी गुरुदेव की गहरी छाप पड़ी है। अपनी अपनी भावना का प्रस्तुतिकरण करने का एक अपना अपना तरीका होता है। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, हमारे पास एक मात्र तरीका है साधना करने का। आप कल शुद्धि के भोजन की साधना कर लें, व्हाट्सएप स्टेटस को तैयार कर लें, दीपक जला लें, रंगोली बना लें, शुद्ध भोजन का संकल्प कर लें। आपकी मर्जी हो तो आप कर सकते हैं। आपको समय मिले तो आचार्य छत्तीसी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की स्तुति की प्रस्तुति करने के लिए हम एक आचार्य छत्तीसी का बहुत बढ़िया बेहतरीन विधान कर सकते हैं और उनके लिए एक बहुत अच्छी माला भी फेर सकते हैं। तो पैदल निकलते हुए मंदिर जी में आएगा और लोग बोलेंगे कहाँ जा रहे हो, हम गर्व से बताएंगे हमारे गुरु वो जगत गुरु श्रमण सूर परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री महाराज विद्यासागर जी महाराज का आज दीक्षा दिवस है। 54 साल पहले उन साधकों ने दीक्षा ली थी, आज उनके नाम की हम भगवान के सामने शांति धारा करेंगे, उनकी दीर्घायु होने की हम कामना करेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए हम सामूहिक रूप से एक जाप का आह्वान करेंगे जिसमें छोटे बाबा और बड़े बाबा के मंत्र की जाप की एक माला, दो माला, तीन माला, जितना आपका साहस होगा। 9:30 बजे घर के अंदर जो शुद्धि का भोजन बना होगा साधुओं का प्रगाहन करेंगे। वे नहीं आएंगे तो अपने पड़ोसी को बुला करके भोजन करेंगे। 12 बजे तक का जीवन हम ऐसा जिएंगे कि जैसे एक संत का जीवन हमारे घर के अंदर आ गया हो, और संत मिल गए तो समझना कि एक अरिहंत ही हमारे घर में आ गया हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।